हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एम एस एक्सेल होम टैब के अंदर शॉर्ट हैंड फिल्टर का यूज़ करना। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक डेटा ओपन है। इस डेटा में हम लोग शॉर्ट हैंड फिल्टर का यूज़ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, तो हेडिंग को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद होम मेनू में आना है, एडिटिंग ब्लॉक्स में आना है, शॉर्ट एंड फिल्टर पे आना है। इसमें कितने ऑप्शन है, तो फोर्थ ऑप्शन अभी आपका हाईलाइट है। उसके बाद दो ऑप्शन और है, क्लियर और री अप्लाई का। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा है शॉर्ट ए टू जेड। यहाँ पे हम लोग को समझना है कि शॉर्ट एंड फिल्टर का यूज़ क्या होता है। शॉर्ट एंड फिल्टर का यूज़ होता है अगर आप किसी अल्फ़ाबेट में शॉर्ट एंड फिल्टर लगाते हैं तो आपके डेटा को क्या करता है, तो ए टू जेड जस्टिफाई करता है, या फिर बोले तो उसको अरेंज करता है ए से लेकर के। पहले ए वाले टेक्स्ट को दिखाएगा, उसके बाद बी सी डी, यानी उसको अरेंज करेगा ए टू जेड। अगर जेड टू ए अप्लाई करते हैं तो उसी तरीके से क्या करता है, तो उसका उल्टा करता है। पहले जेड वाले को अरेंज करता है, लास्ट में ए वाले को अरेंज करता है। कस्टम सॉर्ट से हम लोग कस्टम कर सकते हैं और फिल्टर ऑप्शन से हम लोग फिल्ट्रेशन लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट ए टू जेड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो सिलेक्शन है, एक्सपेंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन। तो आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं और शॉर्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फिल्ट्रेशन नहीं लगा है। फिर से हम लोग को शॉर्ट एंड फिल्टर पे आना है, शॉर्ट ए टू जेड पे आना है और एक्सपेंड द सिलेक्शन पे क्लिक करना है, शॉर्ट पे क्लिक करना है। तो अब हमारा क्या हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है। कैसे हुआ देखिए, कंट्रोल जेड से हम लोग बैक आते हैं। अभी फर्स्ट में हमारा क्या है, कार्तिक कुमार है। कैसे है, उसके बाद अमन है, राहुल है, प्रिया है, यानी जो नाम हम जहाँ पे टाइप किए हैं उस तरीके से है। लेकिन जैसे ही इसमें हम लोग फिल्ट्रेशन लगाते हैं तो क्या होता है, शॉर्ट एंड फिल्टर, एक्सपेंड द सिलेक्शन, शॉर्ट। अभी देखिए कि जो आपका ए नाम का व्यक्ति है वो सबसे ऊपर आ चुका है, उसके बाद बी नहीं है, के, तो के ऊपर है, यानी लास्ट में हमारा एस आ रहा है, तो एस नाम का जो व्यक्ति है वो सबसे लास्ट में है। उसी तरीके से ये हमारा ए टू जेड काम किया। अब हम लोग जेड टू ए करेंगे, तो जेड टू ए भी यही करता है, जस्ट इसका उल्टा। शॉर्ट पे करना है हम लोगों को क्लिक। देखिए एस वाला ऊपर हो गया, अगर यहाँ पे जेड से कोई नाम होता तो पहले वो जेड वाले को दिखाता। फिर से हम लोग शॉर्ट एंड फिल्टर पे आते हैं, कस्टम शॉर्ट पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग को करना है शॉर्ट वार्निंग शॉर्ट। अब यहाँ पे हम लोग का शॉर्ट का डेटा ओपन हो चुका है शॉर्ट एंड फिल्टर का। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, कॉलम। कॉलम आप क्या शॉर्ट करना चाहते हैं, एम्प्लॉय नेम से या फिर आप कुछ और रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय नेम ही रखते हैं। शॉर्ट ऑन, वैल्यू क्या रखना चाहते हैं आप, वैल्यू या सेल कलर या फॉन्ट कलर, यानी अगर आपका जो डेटा है उसमें सेल कलर अप्लाई है तो सेल कलर से भी आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं। अगर फॉन्ट में कलर है तो फॉन्ट कलर से भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा डेटा में किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग नहीं है तो हम वैल्यू पे ही क्लिक करते हैं। आप यहाँ पे बोल रहा है ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर में आप रखना चाहते हैं, ए टू जेड या जेड टू ए। तो यहाँ पे ए टू जेड को अगर हम लोग असेंडिंग रखते हैं और जेड टू एड को डिसेंडिंग देखते हैं, तो यहाँ पे आपको जो भी चूज करना आप चूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ए टू जेड चूज करते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपका मतलब एक अलग ही तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसे आप कस्टम कर सकते हैं, अपने अनुसार भी कर सकते हैं। ये था हमारा शॉर्ट एंड फिल्टर में थर्ड ऑप्शन कस्टम शॉर्ट का। अब हम लोग फिल्टर पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही फिल्टर पे क्लिक करते हैं तो हमारे सेल के हेडिंग में कुछ इस तरह का ड्रॉप डाउन एरो ऐड हो जाता है, जहाँ से आपका जो नीचे वाला वैल्यू है उसको हाइड और अनहाइड करने का ऑप्शन आपका आ जाता है, यानी टेक्स्ट फिल्टर भी इसमें आ जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि डायलॉग बॉक्स बहुत सारा ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे सारे एम्प्लॉय का नाम है। अब चाहते हैं कि आपके डेटा में कोई एम्प्लॉय नहीं रखना है आपको, जैसे यहाँ पे कार्तिक कुमार हमको नहीं रखना है, तो एम्प्लॉय नेम के हेडिंग पे करना है क्लिक और यहाँ पे कार्तिक कुमार आपको चूज करना है। ये क्या है आपका, तो टिकॉट ऑन है, यानी ये शो है। अब इसको हम लोग टिकॉट को कर देते हैं ऑफ, उसके बाद करते हैं ओके। तो आपके डेटा से क्या हो जाता है, तो ये नाम गायब हो चुका है, लेकिन आपके डेटा में कहीं पे ये है, बल्कि ये क्या हो चुका है, तो शॉर्ट एंड फिल्टर से ये हाइड हो चुका है। जैसे ही आप इस पर टिक आउट करते हैं तो ये क्या होता है, तो ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से आप किसी डेटा में से किसी भी वैल्यू को शो और हाइड
कर सकते हैं। तो ये होता है सॉर्ट एंड फिल्टर में फिल्टर का यूज़। तो इस तरीके से सॉर्ट एंड फिल्टर में हम लोग फिल्टर का यूज़ करते हैं। तो एम्प्लॉय नेम से जैसे हम लोग किसी नाम को ऐड किए तो क्या हुआ, तो उसका आइटम क्वांटिटी रेट और अमाउंट भी ऐड हो गया। ये फर्स्ट में हमारा हेडिंग है। अगर हम लोग लास्ट वाले हेडिंग से किसी सेल को हाइड करते हैं तो क्या फर्स्ट वाला हाइड होता है, तो करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग आइटम में आते हैं और आइटम में कीबोर्ड को हम लोग कर देते हैं टीकॉट को ऑफ, उसके बाद करते हैं ओके। तो देखिए यहाँ पे कि टीकॉट जैसे हम लोग ऑफ किए तो डेटा हमारा अरेंजमेंट माइनस में हो रहा है, प्लस में हम लोग को पता चलता है। जैसे कंट्रोल जेड हम लोग करते हैं और यहाँ पे देखिए कीबोर्ड किसका है, तो कीबोर्ड एक शुभम शुभम कुमारी का है और अमन कुमार का है। सॉरी यहाँ पे कुमारी हो गया, कुमार होगा। अब यहाँ पे आइटम पे हम लोग आते हैं और यहाँ पे कीबोर्ड को करते हैं चेकआउट को ऑफ, उसके बाद ओके। तो देख सकते हैं कि आइटम के साथ एम्प्लॉय नेम क्वांटिटी रेट अमाउंट सारा हमारे क्या हो चुका है, हेड हो चुका है। यानी एक वैल्यू से आप सारे को अरेंजमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आइटम में आप फिल्टर सेट कर रहे हैं तो सिर्फ आइटम का ही अरेंजमेंट चेंज होता है, आपका सारे डेटा का चेंज होता है। अगर अमाउंट से हम लोग करते हैं, रेट से करते हैं, क्वांटिटी से करते हैं, तो फर्क ए टू जेड हमारा कॉलम पे पड़ता है, पूरे डेटा पे पड़ता है। तो ये हमारा यूज होता है एमएस एक्सेल में शॉर्ट एंड फिल्डर का। तो शॉर्ट एंड फिल्डर का यूज़ हमेशा डेटा को शॉर्ट करने के लिए होता है, ए टू जेड या जेड टू ए। दूसरा हमारा नंबर अगर वैल्यू है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। जैसे अभी हम इसको करते हैं शॉर्ट एंड फिल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक, और यहाँ पे देखिए इसमें हमारा क्या है, तो वैल्यू है, तो वैल्यू ए टू जेड या जेड टू ए तो नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या है, तो शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी छोटा से बड़ा, और शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़ा से छोटा। आप किसको देखना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप इसमें फिल्ट्रेशन सेट कर सकते हैं। तो आपका अगर अल्फाबेट में है तो ए टू जेड और जेड टू ए, अगर नंबर में है तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो शॉर्ट एंड फिल्टर का यही यूज होता है। तो आशा करते हैं कि एमएस एक्सेल में शॉर्ट एंड फिल्टर लगाना आप लोग सीख गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।